एपिसोड वन शुरू होती है त्रिवेणीपुर से कुछ किलोमीटर दूर लालगंज से, जहां हम सीरीज का मेन कैरेक्टर अरविंद को अपनी फादर के साथ मार्केट में देखते हैं। जब अरविंद के फादर अरविंद के लिए शर्ट खरीदने एक दुकान जाते हैं, तो प्राइस को लेकर दुकानदार अरविंद की फादर से रूडली बात करता है, जिससे गुस्सा होकर अरविंद दुकानदार को गाली दे देता है। तो उसके फादर गाली देने के लिए उसी को थप्पड़ मार देते हैं। अरविंद का फादर स्कूल में टीचर है। अरविंद अपने एरिया की कॉलेज में आगे की पढ़ाई करना चाहता है, पर उसके फादर चाहते हैं कि अरविंद फेमस त्रिवेणीपुर यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करे। अरविंद को खुद की टैलेंट पर भरोसा नहीं होता, इसलिए उसके फादर उसे समझाते हैं कि उन्हें उसकी टैलेंट पर भरोसा है, वो जरूर कुछ बन के दिखाएगा। वो घर में सबसे बड़ा है और उसकी दो बहनें हैं। फादर के बाद अरविंद को ही घर की जिम्मेदारी उठाना होगा, इसलिए अरविंद मान जाता है। इसके बाद त्रिवेणीपुर यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच बहुत लड़ाई झमेला चलती रहती है। एक पार्टी लीडर गोविंद के कुछ बॉयज एक फैक्ट्री में घुस के वीडियो बनाते हुए वहाँ के मालिक विनोद को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, क्योंकि विनोद उनके अपोजिशन पार्टी लीडर बिंदु को सपोर्ट करता था। इस दौरान उन बॉयज में से एक लड़का लतीफ के हाथ में बॉम्ब फटने के कारण चोट लग जाती है। फिर वो लोग उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बिंदु उस वीडियो को देखता है, तो अपने आदमी को मरता देख गुस्सा हो जाता है। वो वीडियो से उसे पता लग जाता है कि एक लड़के के हाथ में चोट लगी है, इसलिए बिंदु अपने बॉयज को इसका छानबीन करने के लिए कहता है। तो उनमें से दो बॉयज अपना भेष बदल के अपोजिशन पार्टी के अड्डे पर जाते हैं और लतीफ के हाथ पर पट्टी बंधा हुआ देख के समझ जाते हैं कि उसी ने बॉम्ब मारा था। दोनों उसका वीडियो बनाते हैं और तभी पीछे से उन्हें एक आदमी देख लेता है, तो दोनों उसे उठा के नीचे फेंक देते हैं और जैसे तैसे जान बचा के वहां से भागते हैं। दोनों पार्टी के बॉयज त्रिवेणीपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। इसके बाद गोविंद कॉलेज प्रिंसिपल को धमकाता है कि कॉलेज एरिया के अंदर का रास्ता बनाना और उसमें कैमरा लगवाने का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल उसे दे। पहले बिंदु के आदमी विनोद को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए उसने विनोद को मार दिया। प्रिंसिपल बिंदु के सपोर्ट में होता है, इसलिए लिस्ट में विनोद के बाद अनिल अग्रवाल नाम का एक आदमी को वो कॉन्ट्रैक्ट देने का कहता है, क्योंकि अनिल भी बिंदु का ही आदमी है। रात को बिंदु पुलिस ऑफिसर मृत्युंजय से मिलता है और मृत्युंजय उसे एक अच्छा नेता बन के क्षत्रियों के लिए लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि समाज में फिर से क्षत्रियों का राज हो। इसके लिए वो बिंदु को स्कूल लेवल से क्षत्रियों के बच्चों का लिस्ट उठा के उन्हें IPS की तैयारी करके पुलिस या फिर फौज में आने के लिए मोटिवेट करने को कहता है। इसके बाद बिंदु मृत्युंजय को अपने लड़कों का बनाया हुआ वीडियो दिखाकर कहता है कि शायद लतीफ ने विनोद को मारा है, इसलिए उसे उठवाने को कहता है। अगले सीन में हम अरविंद को देखते हैं। MA की पढ़ाई के लिए अरविंद अपनी फैमिली को अलविदा कहकर त्रिवेणीपुर यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलता है और जाते टाइम उसी दुकान वाले को पीट के जाता है जिसने उसके फादर के साथ बदतमीजी किया था। यूनिवर्सिटी के बाहर एक दुकान में खाना खाते टाइम अरविंद की मुलाकात रंजन से होती है। खाने के बाद रंजन पैसे उधार रखने का कहकर झमेला करता है, तो दुकानदार उसे बंदूक दिखाकर पैसे मांगता है। मामला शांत करने के लिए अरविंद रंजन का बिल चुका देता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। बदले में रंजन अरविंद को रहने के लिए हॉस्टल का बंदोबस्त करा देने का कहकर अपने लीडर बिंदु के पास ले आता है। बिंदु पहले रंजन पर गुस्सा करता है, पर फिर अरविंद ब्राह्मण है सुन के उसके लिए हॉस्टल का बंदोबस्त करा देता है। इस तरह से अरविंद अनजाने में बिंदु के टीम के साथ कनेक्ट हो जाता है और एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम अरविंद को हॉस्टल में देखते हैं। एक सीनियर उसे गाली देते हुए बात करता है, तो अरविंद उसे पीट देता है। बाकी सब उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि सबको लगता है कि वो बिंदु का आदमी है। इसके बाद अरविंद अपना रूममेट विश्वास से मिलता है। उन दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। रात को उस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट लाल बहादुर कॉलेज कैंपस घूमने आता है। अगले दिन पुलिस लतीफ को उठवा के टॉर्चर करती है, तो लतीफ बता देता है कि उसी ने विनोद को बॉम्ब मारा था। फिर लतीफ अपना लीडर गोविंद को कॉल करके उसे पुलिस से छुड़ाने के लिए कहता है, तो गोविंद हायर लेवल के साथ बात करके उसे छुड़ा लेता है। जाते टाइम ऑफिसर मृत्युंजय उसे सिखा देता है कि वो गोविंद को ये ना बताए कि उसने पुलिस को सब बता दिया है, वरना गोविंद उसे मार देगा। लतीफ वैसा ही करता है और गोविंद उसे कुछ दिन छुपे रहने के लिए कहता है। इसके बाद अरविंद कॉलेज जाता है, तो पता चलता है कि उसके क्लास का प्रोफेसर एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर है, तो क्लास नहीं होगा। इसलिए अरविंद विश्वास का इंग्लिश मीडियम क्लास ज्वाइन करने चला जाता है, पर प्रोफेसर उसे इसके लिए परमिशन लाने को कहता है। इसके बाद अंजनी नाम का कॉमरेड
पाटिल लीडर स्टूडेंट्स को बताता है कि आजकल इस कॉलेज में पढ़ाई कम पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। प्रोफेसर सही से क्लास नहीं लेते, छुट्टी ज्यादा लेते हैं, इसलिए अंजनी कुछ स्टूडेंट का सिग्नेचर इकट्ठा करके प्रिंसिपल के पास जाता है। बिंदु उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनता। तभी वहाँ ऑफिसर मृत्युंजय आता है क्योंकि प्रिंसिपल और बिंदु ने उसे बुलाया होता है कॉन्ट्रैक्टर अनिल की सेफ्टी के लिए, क्योंकि पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर विनोद का मर्डर हो गया होता है। मृत्युंजय बिंदु का साथ इसलिए देता है क्योंकि वो चाहता है कि समाज में क्षत्रियों का पावर बढ़े। अगले साल प्रिंसिपल रिटायर होने वाला है, इसलिए मृत्युंजय प्रिंसिपल को अपने गाँव जाकर क्षत्रियों के बच्चों को मोटिवेट करने को कहता है। तभी अंजनी प्रिंसिपल को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और उसका टाइटल लोअर कास्ट का सुन के मृत्युंजय गुस्सा होकर उस पर हाथ उठा देता है। प्रिंसिपल के सामने बाहर का आदमी अंजनी पर हाथ उठाता है, जिससे गुस्सा होकर अंजनी प्रिंसिपल को कहता है कि इस मैटर पे वो स्टूडेंट के साथ मिलकर बवाल करेगा। उसे शांत करने के लिए प्रिंसिपल उसके प्रोफेसर के एब्सेंट के खिलाफ लाया हुआ पिटीशन पर एक्शन लेने का कह के उसे चुप रहने को कहता है। इधर बिंदु लतीफ को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो लतीफ से विनोद के मौत का बदला लेना चाहता है, पर बिंदु को लतीफ का कोई पता नहीं चलता क्योंकि लतीफ कहीं छुप के बैठा होता है। इसलिए बिंदु लतीफ के शॉप पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, जिसका खबर मिलते ही लतीफ शॉप आता है और बिंदु का आदमी रंजन उसे वीडियो बनाते हुए मार डालता है। फिर रंजन वो वीडियो बिंदु को भेजता है पर वो वीडियो वायरल हो जाती है, इसलिए बिंदु रंजन को छुपने के लिए कहता है क्योंकि उस वीडियो में लतीफ को मारते हुए रंजन का फेस दिख रहा होता है और बिंदु पता करता है कि वो वीडियो कैसे लीक हुआ। कॉलेज कैंटीन में अरविंद अपनी एक फ्रेंड अजय, जो कि वहाँ का लोकल है, उसे कुछ ट्यूशन का जुगाड़ करने को कहता है ताकि अरविंद ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे इनकम कर सके और अपने लिए मोबाइल ले सके। तभी अजय अरविंद को रंजन का वही वीडियो दिखाता है, जिसे देख के अरविंद शॉक्ड होता है। इधर जिस दुकानदार के साथ खाने का पैसा उधारी को लेकर रंजन का झगड़ा हुआ था, वो दुकानदार वीडियो देख के रंजन को पहचान लेता है और मृत्युंजय को बताता है कि उस दिन दुकान में रंजन के साथ एक और लड़का था, मतलब कि अरविंद। इस तरह से अरविंद इस केस में फंस जाता है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।